ओए तूने हमें पहचाना नहीं, हम गैंगस्टर तिवारी के आदमी है। तेरे पास जो कुछ भी है वो निकाल कर हमें दे दी। मेरे पास कापी किताबों के अलावा कुछ नहीं है। रुको, स्टेपन में कुछ नहीं है, मेरा खाना है। अबे चल, हम दो दिन से ही खोम पड़े हैं और हमने कुछ नहीं खाया, इस खाने को हम खाएंगे। प्लीज ये पैसे मत लेना, ये पैसे फीस जमा करने के लिए, मैं स्कूल में फीस जमा करूंगा। चल बे, अब ये तेरी फीस जमा नहीं होगी, हमारी फीस जमा हो गई। तुम्हारी कौन सी फीस? अबे ओए सुन, तुझे जिंदा छोड़ने की फीस, अगर तेरे पास ये पैसे नहीं होते ना तो कसम तिवारी भाई की तुझे जिंदा नहीं छोड़ता आज मैं। ये अजीब गुंडागर्दी है तुम्हारी, ये पैसे जमा करने के लिए मेरे पापा ने कितनी मेहनत करी तुम्हें पता है कुछ? अबे सुन, हम कुछ नहीं जानते, तू जिंदा बच गया यही बहुत बड़ी बात है। प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे जमा करने है। अबे चल पढ़ लिख कर क्या तू कलेक्टर बनेगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। तू करेगा हमारी पुलिस में रिपोर्ट? अरे बेटा उदास मत हो। अरे बेटा देख तेरी मैडम आ रही है, मैं तुझसे पहले कहा था कि तू स्कूल चला जा। अरे बेटा तुम 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए? मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। सारी कॉपी किताब फाड़ कर फेंक दी। मैम फिर मैं स्कूल आकर क्या करता? सुन बेटा, तू उन गुंडों से मुझे मिला, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मैम, वो कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है, वो तिवारी के आदमी है, वो बहुत बड़ा गुंडा है। मैं अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को लेके जाऊंगी, तू उनकी वहाँ पे छुप के वीडियो बना लेना। सुनो बेटी, इस काम में खतरा है, मेरी मानो तो उन गुंडों से दुश्मनी मोल मत लो। अंकल जी, हम जैसे लोग उन गुंडों का जुर्म चुपचाप सहन करते रहे, इसीलिए तो वो लोग जुर्म पर जुर्म करते जा रहे हैं। बेटी हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अंकल बस एक आवाज उठाने की देर है, फिर उन गुंडों का नामो निशानी मिट जाएगा। सुनो बेटी, ये मेरा इकलौता वारिस है, मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो तुम्हारी मुलाकात उन गुंडों से मैं कराऊंगी। ठीक है अंकल, तो ले चलो मुझे उनके पास। बेटे तू अंदर जा, आओ मेरे साथ। अंकल जी और कितनी दूर है उन गुंडों का अड्डा? काफी दूर तक तो हम आ गए, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। सुनो बेटी, हम लोग अभी जंगल में घुसे हैं, थोड़ी दूर और चलो फिर आ जाएगा तिवारी का अड्डा। सुनो बेटी, यह है तिवारी का अड्डा। रुको, कौन हो तुम लोग? ये स्कूल की मास्टर नहीं है, तिवारी से मिलना चाहती हूँ। पहले यहीं रुको, मैं तिवारी भाई से पूछ कर आता हूँ, फिर ले जाऊंगा उनके पास। सुनो मैडम जी, आप कहो तो आज तिवारी को उड़ा दूं। नहीं तो मैं उसे शूट नहीं करना, सिर्फ गिरफ्तार करना है। तिवारी भाई, आप तो एक स्कूल की मास्टर नहीं मिलना चाहती है। अरे सत्या, कौन से स्कूल की मास्टर नहीं है जो तिवारी भाई से मिलना चाहती है? जा बुला ला ऊपर के लिए उसे। ठीक है तिवारी भाई, अभी लाता हूँ बुलाकर। आओ मेरे साथ, तिवारी भाई से मिलना है तो।
उसने। आइए जी आइए, स्कूल की मास्टरनी जी, खुशामदी। अरे आपने तो मेरी बचपन की यादों को ही जागरूक कर दिया। तिवारी अपनी मर्यादा में रहकर बात करो। अरे मास्टरनी, मर्यादा में रहकर बात करूं? पहले तो हमने तुम्हें स्कूल में देखा था, आज तो तुम्हारे साक्षात ही दर्शन हो गए हमारे लिए। तिवारी मैंने तुझसे कह दिया ना अपनी मर्यादा में रहकर बात कर। अरे मैडम, खूबसूरत मास्टरनी को देखकर मर्यादा भूल जाता हूँ, क्या करूँ। तिवारी तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए कहती हूँ तू जीवन के अंतिम दिनों में कुछ अच्छा काम कर ले। ओए मास्टरनी, तू अभी तिवारी की कुंडली नहीं जानती, बताओ रे। ओ मैडम, तिवारी भाई बचपन में एक मास्टरनी पर फिदा हुए थे, तिवारी की बात ना मानने पर तिवारी ने मास्टरनी का गला काट दिया था। और हाँ मैडम, तभी से तो तिवारी भाई गैंगस्टर बने हैं। और हाँ मैडम, तिवारी के नाम से थाना हिल जाता है और अदालतें कांपती हैं। तिवारी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसका तू गला काट सके। हे मास्टरनी, तिवारी भाई को चैलेंज करेगी तू? तिवारी मेरा खुला चैलेंज है, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। हे हे, क्या बोली तू? गुप्ता ये क्या कर रहे हो तुम? ओए मास्टरनी, ये गुप्ता नहीं, ये हमारा पालतू कुत्ता है। गुप्ता मैं कहती हूँ अपनी गन नीचे कर, मुझे अपने मिशन को अंजाम देना है। ओए मास्टरनी, हाथ में पिस्तौल लेकर कौन से मिशन को निकली है रही तू? तिवारी भाई ये मास्टरनी नहीं, इंस्पेक्टरनी है ये। क्या कहा रे गुप्ता? हाँ तिवारी भाई, ये खुफिया पुलिस के एजेंट है, इस मिशन में मैं भी इसके साथ शामिल था, लेकिन तिवारी भाई मैंने आपका नमक खाया। शाबाश गुप्ता, देख क्या रहा है, दबा दे फिर ट्रिगर। ओए गुड्डे, तू कहाँ जा रहा है? ओए सुर्रे गुप्ता, जंगल का केस बनाकर इस फाइल को क्लोज कर देना। ओए सुर्रे सत्या, इलाज को पहुंचा देना उस बच्चे के घर पे। अरे ये क्या हुआ? पापा पापा ये क्या हुआ? मैडम मैंने पहले ही कहा था आपसे, उन गुंडों से दुश्मनी मोल मत लो। पापा आपकी सौगंध, मैं उन गुंडों का नाम निशान मिटा दूंगा। अरे वो देख, वो बच्चा पैसे गिनते हुए जा रहा है। इस सड़क पर जाने वालों के पैसों पर हमारा ही अधिकार होता है, चला उसका पीछा करते हैं। एक काम कर, तू अंदर जा और उससे पैसे छीन कर लेकर, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अरे बच्चा तो इधर ही आया, पता नहीं किधर गया। हिलना मत, नहीं तो शूट कर दूंगा। छोटू गोली मत चलाना, हिलूंगा नहीं मैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, चल मैं कहता हूँ आगे के लिए सीधे चल, नहीं तो गोली मार दूंगा। चल बे, इस बाल्टी में अपना मुंह डाल, जब तक मैं ना कहूँ जब तक इस बाल्टी में मुंह में लिखना नहीं। इस तरह तड़पा कर मारना क्यों चाहता है मुझे तू? इससे अच्छा तो मुझे गोली ही मार दे। गोली तुझे नहीं, मुझे तिवारी के लिए मारनी है। वो अपना मुंह बाल्टी में डाल, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब वो मुंह बाहर मत निकाल, नहीं तो कॉपी उड़ा दूंगा तेरी। गुप्ता, जग्गा का मर्डर हो गया, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ी अजीब आई है। तिवारी जी क्या आया है रिपोर्ट में? गुप्ता मुझे तो यही पता नहीं चला कि मौत पानी में डूबकर हुई है या दम घुटने की वजह से हुई है। तिवारी जिस बंदे ने जग्गा का मर्डर किया है उसके अंदर कुछ तो टैलेंट है। हाँ गुप्ता तू ठीक कह रहा है।
पर हमने चाय का ऑर्डर तो दिया नहीं, तू चाय लेके क्यों आया? अरे जब चाय आ ही गई है तो पी लेते हैं। अबे छोटू सुन, हम तुझे चाय के पैसे नहीं देंगे, हमने चाय का ऑर्डर नहीं दिया था, तू खुद चाय लेकर आया। अरे साहब आपसे पैसे कौन मांग रहा है, आपने चाय के लिए यही बहुत बड़ा आसान कर दिया मुझको। क्या मतलब है तेरा और ये कैसा एहसान है? तू अब यहाँ का मरने आया है? तेरे बाप को तो मार दिया हमने। जिंदा तो अब तुम नहीं बचोगे ज्यादा देर तक। तू मारेगा हमें? मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम तो खुद ही मर जाओगे। क्या मतलब, ऐसा कौन सा काम किया तूने? लालची आदमी, फ्री की चाय मिली तो एकदम झटक ली, उसमें मैंने चूहे मार दवाई मिलाई थी। क्या? सत्या चल जल्दी अस्पताल पहुँचते हैं। जब तक मैं ना कहूँ जब तक इनसे ना मर, वरना समय से पहले ही मारे जाओगे। देखो तुम्हें हमें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, मेरे दिल को शांति मिलेगी। तुमने ही तो मेरे पापा और मैडम को मारा था। बेटे तुम हमें गोली क्यों नहीं मार देते, इस तरीके से तड़पाकर क्यों मार रहे हो? गोली मार दूंगा तो तुम्हारा खून का अंजाम मेरे ऊपर आ जाएगा। इस तरह मारोगे तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन हाँ तुम्हारी खून का अंजाम अपने सर पर जरूर लूंगा, और हाँ अपने हाथों से ही मारूंगा। हमें अस्पताल जाने दो। नहीं तिवारी, अब तेरी बारी है। तिवारी हिलना मत, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओए तिवारी गाड़ी में से गन लेने की कोशिश कर। ओए छोटा सा बच्चा, मुझे शूट करने की धमकी दे रहा है तिवारी को? ओए तू कौन है और किसका है, मुझे शूट करने को क्यों चाह रहा है? ओए तिवारी तूने मुझे पहचाना नहीं? जिस मास्टरनी को जिस किसान को मारा था मैं उसी का ही बेटा हूँ। अच्छा अब समझ में आया मेरी में कि तू उसी गरीब किसान का बेटा है, तभी तो मुझे मारना चाह रहा है ना। बेटा इस उम्र में मत खेल, मुझे नहीं मार सकता। तिवारी बेटा किसको बोला, तेरे काम फिनिश। हेलो गाइस, तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो आपको गाइस हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और गाइस अगर आपके लिए पर्सनली मैसेज करना है तो मेरे लिए इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, मैं आपके मैसेज की रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद जय भारत।